खबर आपको देंगे। राजस्थान के नए सीएम पर फैसला, आज विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। सभी विधायकों को 11 बजे जयपुर बुलाया गया है। तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे जयपुर। राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े पहुंचेंगे जयपुर। दोपहर 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। बैठक से पहले विधायकों से चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। तो ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। नए सीएम का फैसला आज राजस्थान में हो जाएगा। आज नया मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। 9 घंटे का समय बाकी है। विधायक दल की बैठक के बाद मुहर लग जाएगी। सभी विधायकों को ठीक 11 बजे बुलाया गया है। बैठक शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे राजस्थान। इंतजार लंबा रहा है और आखिरकार इंतजार पर विराम लगने वाला है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये अब बस कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह सरकार जो है चौंका सकती है एक नए नाम के साथ। राजस्थान में भी कुछ नया फॉर्मूला लागू हो सकता है और डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू किया जा सकता है, 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला। विधायक दल की बैठक आज शाम को रहेगी और इसके बाद सीएम का नाम आएगा। विधायकों को बुलावा जो है वो भेज दिया गया है। तो चुनाव के बाद बीजेपी को जो बहुमत मिल गया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं हो सका है। लेकिन ये तय है कि आज के दिन मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा और जल्द से जल्द शपथ ग्रहण भी कर ली जाएगी। आपको बता दें, जयपुर भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक 4 बजे होगी। इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। बैठक के लिए सभी विधायकों को आमंत्रण भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया है। ठीक यही प्रकार का सिस्टम है वो भी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में भी एक नए चेहरे को जगह दी गई है। अब राजस्थान में वो नया चेहरा कौन होगा, या कोई वरिष्ठतम नेता होगा जिनका नाम चर्चाओं में चल रहा है, उनमें से कोई एक होगा, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। विधायक दल की बैठक आज होगी। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जयपुर में जारी है, क्योंकि सभी को बुलावा भेज दिया गया है। तीनों पर्यवेक्षक जो है आज पहुंच जाएंगे जयपुर। सरोज पांडे, विनोद तावड़े, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे और उनकी जिम्मेदारी है या फिर नाम तय है और वो उस नाम के साथ जयपुर पहुंचेंगे और विधायकों के सामने उस नाम को रखेंगे और विधायकों की सहमति उस नाम पर बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का इंतजार लंबा रहा है और बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब तक सीएम फेस को अनाउंस नहीं कर पाई है और चुनाव बीत गए, काफी समय हुआ है और ऐसे में आज का दिन मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा का दिन है। कौन होगा, क्या पूर्व के नेताओं को मौका मिलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल और भी तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। और खास बात यह है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। अब इन 2 डिप्टी सीएम में से क्या एक महिला उम्मीदवार को मौका मिलता है, महिला विधायक जो जीत कर आई है, क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाता है, क्योंकि दिया कुमारी का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है, शायद उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। लेकिन कौन होगा इस पर अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चौंकाया रथ, उसी तरीके से राजस्थान में भी चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। मोहन यादव, जिन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उनका नाम कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री की रेस में नहीं चल रहा था। अचानक से कल जब अनाउंसमेंट होता है तो मोहन यादव खुद शॉक हो जाते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी कुछ नया हो सकता है। और देखिए, जातीय समीकरण अलग अलग तबके को देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुख्यमंत्री का फेस अनाउंस कर सकती है। राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये आज शाम तक साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह भाजपा यहाँ भी चौंकाने वाला नाम का ऐलान कर सकती है। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग पूरी तरह से
खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में भाजपा ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया, छत्तीसगढ़ में रविवार को सीएम के नाम की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय आते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में अब राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का ऐलान हो गया है, दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम ने सबको चौंका दिया है, राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस खत्म हो गया। जिस तरह से दोनों राज्यों में बीजेपी ने सबको चौंकाया है, वैसे ही राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी कई राज्यों में ऐसे नाम सामने लाए हैं जिनका नाम दूर दूर तक लोगों की जुबान पर नहीं था। नए सीएम के नाम के ऐलान के लिए बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। ये बैठक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी, जिसमें विधायकों की राय शुमारी के बाद राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की चर्चा है। डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने इस बार किसी नेता को बिना सीएम पद का चेहरा बनाए प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, जिसका पार्टी को सीधा फायदा हुआ। राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। दोनों राज्य में पीएम मोदी ने नए चेहरे को प्रदेश की कमान सौंपी है। अब ऐसे में संकेत साफ है कि राजस्थान में भी नया चेहरा सामने आएगा जो सबको चौंका देगा, 7/24 में 25 की गारंटी देगा। तो साफ है कि वो चौंकाने वाला चेहरा कौन होगा। देखिए अभी तक अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में हमने देखा कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है और ओबीसी समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के विष्णुदेव साय हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। समय राजस्थान में सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनने के आसार हैं। दूसरी तरफ चर्चा यह है कि भाजपा किसी महिला को प्रदेश की कमान सौंप सकती है। मुख्यमंत्री पर फैसले को लेकर आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जयपुर भाजपा कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। इसे लेकर पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर आएंगे और बैठक बताई जा रही है कि आज हो जाएगी और इसके बाद सीएम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक से ये साफ हो गया है कि दिल्ली से आने वाले पर्यवेक्षक विधायकों से सीएम चेहरे को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, यानी विधायकों से उनकी पसंद और राय नहीं पूछी जाएगी। तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से लाए नामों को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव पास करेंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने एक एक मुख्यमंत्री के साथ दो दो उप मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया है। राजस्थान में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अगर भाजपा यहाँ दो मुख्यमंत्री बनाती है तो ये एक नए रिवाज की शुरुआत हो जाएगी। और मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ साथ सबकी निगाहें जो है वसुंधरा राजे पर भी रहेंगी, क्योंकि राजे अब तक मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह का नाम कटने के बाद